Hi students, I am Atul Rana and I am back with 12th chemistry. The chapter we are studying today is electrochemistry. Is electrochemistry. Clear? So we have discussed electrode potential. Electrode potential का मतलब है कि electrode के ऊपर with reference to solution कौन सा charge आ सकता है. कि electrode के ऊपर with reference to solution कौन सा charge आ सकता है. ठीक है, इलेक्ट्रोड या तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी या नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी. ठीक है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ठीक है, तो ये मैं पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं. टुडे वी विल डिस्कस दिस ईएमएफ सीरीज. ठीक है, तो ईएमएफ सीरीज का मतलब होता है सेल पोटेंशियल. देखो, जब कोई रिडॉक्स रिएक्शन होती है किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में तो ऑक्सीडेशन हाफ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे रिडक्शन हाफ की तरफ. ठीक है, जिसकी वजह से सेल की कोई ना कोई वोल्टेज आ जाती है, कोई ना कोई पोटेंशियल आ जाता है. देखो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या होता है, तुमने देखा होगा. रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, जब हम किस सेल में जाते थे तो सेल में इस तरफ होती थी लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन, लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन होती थी, राइट हैंड साइड रिडक्शन होती थी. ठीक है, कैसे ऐसे. ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता था फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड. इलेक्ट्रॉन्स यहां पे ऑक्सीडेशन होती थी, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन, तो इस तरफ जाते थे. उसकी वजह से कुछ ना कुछ सेल का पोटेंशियल क्रिएट होता था. तो ये जो वोल्टामीटर हमने लगाया होता था कि सेल का पोटेंशियल मापने के लिए था कि सेल के पास कितना पोटेंशियल है. ठीक है, तो इस वोल्टामीटर का इस्तेमाल करते थे हम सेल का पोटेंशियल मापने के लिए. तो हर सेल कोई भी हो, जैसे ये कॉपर जिंक सेल है, ठीक है, जैसे कॉपर मर्करी सेल हो गया, हर एक सेल कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो वो कौन होगा पोटेंशियल क्रिएट करता था. ठीक है, सो जो पोटेंशियल होता था उसको फिर बाद में यूज किसमें किया था, उस पोटेंशियल का इस्तेमाल उसमें से करंट ड्रॉ करके किसी काम को करने के लिए देते, काम किया जाता है. जैसे जो भी पोटेंशियल होगा सेल का, जो भी एनर्जी क्रिएट करेगा उसका इस्तेमाल किसी मतलब इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाए या किसी और काम को करने के लिए किया जाता है. ठीक है, सेल पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदला जाता है. ठीक है, या लाइट एनर्जी में बदल देते हैं. ठीक है, तो ईएमएफ क्या है, ईएमएफ पहले ईएमएफ सीरीज पढ़ने से पहले क्या पढ़ेंगे, ईएमएफ. ठीक है, ईएमएफ का मतलब है मैक्सिमम सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल. मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा सेल पोटेंशियल कितना हो सकता है. मान लो इस सेल का पोटेंशियल है +1.10 वोल्ट. ठीक है, इतना पोटेंशियल है. मान लो इसमें से थोड़ा सा पोटेंशियल हमने कहीं इस्तेमाल कर लिया, मतलब इस वोल्टेज का इस्तेमाल हमने या तो लाइटनिंग के लिए कर लिया या इलेक्ट्रिसिटी में कहीं ना कहीं कर लिया. ठीक है, तो पोटेंशियल थोड़ा सा कम हो जाएगा. जितना पोटेंशियल का इस्तेमाल करोगे आप, मतलब इसकी केमिकल एनर्जी है, इसको जितना तुम इलेक्ट्रिकल एनर्जी या लाइट एनर्जी में बदलोगे कम हो जाएगा. ठीक है, तो ईएमएफ का मतलब है मैक्सिमम सेल पोटेंशियल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल. करंट जितना वोल्ट एक सेल जितना वोल्टेज प्रोड्यूस करता है सारी वोल्टेज उसके पास है, कहीं इस्तेमाल नहीं की गई अब तक या किसी में कन्वर्जन नहीं हुआ है. सेल की पूरी एनर्जी उसके पास सेव है. द सेल पोटेंशियल हैज नॉट बीन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और वोल्टेज हैज नॉट बीन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और लाइट एनर्जी और फॉर एनी अदर यूज. ऑल द वोल्टेज प्रोड्यूस बाय द सेल इज सेफ. अभी तक उसका इस्तेमाल नहीं हुआ है तो सेल के पास अपनी मैक्सिमम वोल्टेज है. अगर कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाता तो उसकी वोल्टेज कम हो जाएगी, कन्वर्जन हो जाएगा ना. सो मैक्सिमम सेल पोटेंशियल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल. व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल इज कॉल्ड एज इट्स ईएमएफ, इज कॉल्ड एज इट्स ईएमएफ. उसको बोलते हैं उसका ईएमएफ, मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ द सेल. ठीक है, जितनी एनर्जी मैक्सिमम सेल प्रोड्यूस कर सकता है उसको बोलते हैं उसके ईएमएफ. ईएमएफ की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ईएमएफ मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स यू कैन से ईएमएफ इज द मैक्सिमम सेल पोटेंशियल दैट द सेल कैन हैव. ओके, बाद में इस पोटेंशियल का इस्तेमाल कहीं अदर चीजों में कर लिया जाएगा. सेल की एनर्जी का इस्तेमाल कहीं और कर लिया जाएगा तो पोटेंशियल कम हो जाएगा. देन वी विल नॉट कॉल इट ईएमएफ. ईएमएफ मीन्स मैक्सिमम सेल पोटेंशियल. ओके, तो दिस इज ईएमएफ. ओके, मैक्सिमम सेल पोटेंशियल. अब आगे देखो, जैसे हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, हमें किसी सेल का पोटेंशियल निकालना है. जैसे मान लो हमें ये जिंक है,
ठीक है, जिंक का पोटेंशियल निकालना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है। तो इस तरफ हम क्या करेंगे, रिडक्शन सेल में हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर देंगे, तो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल जाएगा, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। उसी तरीके से अगर तुम्हें कॉपर वाले सेल का, कॉपर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए तुम क्या करोगे, इस तरफ तुम कॉपर लगा दोगे और इस तरफ क्या लगा दोगे, इस तरफ तुम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा दोगे। तो यहां पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन कर देगी, उससे तुम्हें कॉपर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पता लग जाएगा, या इसका रिडक्शन पोटेंशियल पता लग जाएगा। और इस तरफ तुम क्या करोगे, अगर जिंक का निकालना है तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को तुम इस साइड लगा दोगे, ठीक है, रिडक्शन करेगी तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लग जाएगा। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन होगा कि यहां पे तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, यहां पे तो तुम्हारा प्रश्न ये होगा कि यहां पे तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो रिडक्शन कर दी है, और यहां पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन कर दी है, तो अपने को कैसे पता लगा, तो अपने को कैसे पता लगा कि जिंक के साथ, जिंक इलेक्ट्रोड के साथ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या करती है, रिडक्शन करती है, और कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन कर रही है। देखो, जिंक इलेक्ट्रोड के साथ ही रिडक्शन कर रही है, ठीक है, और कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन कर रही है। तो ये सारा पता लगाने के लिए कि जब हम सेल बनाएंगे तो कौन सी जो क्या नाम उसका इलेक्ट्रोड है वो ऑक्सीडेशन करेगी, कौन सी रिडक्शन करेगी, हमारे लिए हमारे पास आता है ईएमएफ सीरीज, हमारे पास आता है ईएमएफ सीरीज, ओके। तो हमारे पास ईएमएफ सीरीज, उसी को हमारा अगला टॉपिक है ईएमएफ सीरीज, कि जब दो इलेक्ट्रोड लगेगी तो कौन सी ऑक्सीडेशन करेगी, कौन सी रिडक्शन करेगी, बेसिकली उसके लिए हमारे पास आती है ईएमएफ सीरीज, ओके। तो पढ़िए, ठीक है, तो ईएमएफ सीरीज पढ़ने से पहले तो मैं दो तीन चीजें बता दूं, जैसे यहां पे देखो आराम से देखना, जैसे जिंक है, जिंक यहां पे ऑक्सीडेशन कर रहा है, जिंक इलेक्ट्रोड की और ऑक्सीडेशन हो रही है, इस साइड से इस साइड को क्या हो रही है, उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, तो क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगा। जब ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन की वजह से जो इलेक्ट्रोड के ऊपर चार्ज आ जाता है उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं। तो जिंक इलेक्ट्रोड यहां पर ऑक्सीडेशन कर रही है, ठीक है, तो उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगा। बट इस रिएक्शन को तुम राइट से लेफ्ट की तरफ देखो, राइट से लेफ्ट की तरफ देखो, तो जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही है, तो अगर यहां से यहां की देखते हैं जेड एन टू पॉजिटिव की रिडक्शन हो रही है, तो यहां पे क्या आएगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल। देखो तुम यहां से यहां देखो तो जिंक की चेंजिंग इनटू जेड एन टू पॉजिटिव प्लस टू इलेक्ट्रॉन, दिस इज ऑक्सीडेशन। सो इन दिस केस वी विल कंसीडर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, द पोटेंशियल डेवलप ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। देयर आर टू काइंड ऑफ पोटेंशियल, यू हैव स्टडीड इन अर्लियर लेक्चर, बट नाउ यू सी फ्रॉम दिस साइड जेड एन टू पॉजिटिव इज एक्सेप्टिंग टू इलेक्ट्रॉन, सो हियर दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल। सो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल is always equal to reduction potential, but in opposite sign. This you remember. Oxidation potential of electrode is always equal to its reduction potential. ठीक है, but दोनों oxidation potential इस side है तो इस side है, but they are opposite in direction. So this is very very important. Oxidation potential is equal to the reduction potential, but negative sign. Okay? अब मैं तुम्हें बोलूं कि zinc electrode है, zinc electrode का मैंने तुम्हें बोल दिया कि जिंक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तुम्हें कैसे पता लगा ऑक्सीडेशन है, ये सिंपल से देखो, Zn इज कन्वर्टिंग इनटू Zn2 पॉजिटिव, सो दिस इज ऑक्सीडेशन। तो यहां से तुम्हें सिंपल से पता लगाना है, दिस इज ऑक्सीडेशन, सो आई एम टॉकिंग ऑफ द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड। सो स्टैंडर्ड मतलब जब कॉन्सेंट्रेशन कितनी है उसकी, ZnSO4 सॉल्यूशन की 1 मोल, सो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड है +0.76 वोल्ट। तो मैं तुम्हें बोलूं कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालो। नाउ यू सी दिस इज ऑक्सीडेशन, Zn इज चेंजिंग इनटू Zn2 पॉजिटिव, नाउ दिस इज रिडक्शन, Zn2 पॉजिटिव इज चेंजिंग इनटू Zn, सो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस सिंबल्स, दिस इज ऑक्सीडेशन, दिस इज रिडक्शन। नाउ आई टेल यू फाइंड द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड विल बी इक्वल टू इट्स रिडक्शन पोटेंशियल बट ऑपोजिट इन साइन, तो इसका +0.6076 इसका आएगा, ये याद रखना। तो अगर आपको एक पोटेंशियल पता है तो दूसरे का पता लगा सकते हो, इफ यू नो अबाउट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वन इलेक्ट्रोड देन यू कैन इजीली फाइंड आउट द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द सेम इलेक्ट्रोड बाय जस्ट चेंजिंग द साइन, मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल विल बी सेम। ठीक है, ये बात दिमाग में रख लो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू द नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, ओके। सो हमने इसी के बेस पे बनाई थी। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम जनरली रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में ही लेते हैं,
अब ये बात मेरी ध्यान से सुन लेना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को जो ईएमएफ सीरीज है ना उसमें रिडक्शन पोटेंशियल माना गया है, ठीक है। जो ईएमएफ सीरीज है वो है इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सॉरी इन द सीरीज इन द, अब ईएमएफ सीरीज आती है, ठीक है। अब देख लो क्या ईएमएफ सीरीज आती है, ठीक है, ईएमएफ सीरीज आती है, ठीक है। इसमें क्या है कि बीच में हाइड्रोजन है, बीच में क्या है, बीच में हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन का तो मतलब पोटेंशियल जीरो होता है, हाइड्रोजन का पोटेंशियल कितना होता है, जीरो होता है, स्टैंडर्ड इसलिए इसको लेता है। हाइड्रोजन से ऊपर जो होते हैं, हाइड्रोजन से जो ऊपर होते हैं, ठीक है, उनका पोटेंशियल होता है वो ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, हाइड्रोजन से ऊपर वाले ऑक्सीडेशन कर लेंगे, हाइड्रोजन से ऊपर वाले क्या करेंगे ऑक्सीडेशन करेंगे, और हाइड्रोजन से नीचे वाले करते हैं रिडक्शन करते हैं। जैसे हाइड्रोजन से नीचे आ जाता है कॉपर सिल्वर गोल्ड, ओके, ये क्या करेंगे रिडक्शन करेंगे। तो देखो एक बार तुम्हें याद रखना, तुमने इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल पढ़े होंगे, ठीक है, ठीक है, हाइड्रोजन से ऊपर वाले करते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है, और हाइड्रोजन से नीचे वाले करते हैं रिडक्शन, गेटिंग अ पॉइंट, हाइड्रोजन से ऊपर वाले करेंगे ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन से नीचे वाले करेंगे रिडक्शन, मतलब ये वाला पोर्शन ये रिडक्शन का आ गया, ठीक है, और हाइड्रोजन से जो ऊपर ऊपर है ये वाले करेंगे ऑक्सीडेशन, ये वाले करेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है। हाइड्रोजन से यहां पर देखो लाइन बन जाती है, ठीक है, हाइड्रोजन से जो जो नीचे है, हाइड्रोजन से जो जो नीचे आएंगे ये रिडक्शन करेंगे और ऊपर आएंगे वो ऑक्सीडेशन करेंगे। जैसे ऊपर आ गया पोटाशियम जिंक, ठीक है। तो अब देखो, अब जब हम इलेक्ट्रोड लेंगे जिंक और हाइड्रोजन की, ठीक है, मैं दो एग्जांपल समझाऊंगा उससे पता चल जाएगा। जब हम इलेक्ट्रोड लेंगे देखो इसको फिर से कंफ्यूजिंग करने के लिए, ठीक है, जो हाइड्रोजन से ऊपर होंगे वो ऑक्सीडेशन करेंगे, जो हाइड्रोजन से नीचे होंगे वो रिडक्शन करेंगे, समझ रहे हो बात को। तो जब जिंक जिंक एंड हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनेगा, जब जिंक एंड हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनेगा, हाइड्रोजन से ऊपर ऊपर वाले क्या करेंगे ऑक्सीडेशन करेंगे और नीचे नीचे वाले रिडक्शन करेंगे, ठीक है। तो जब जिंक और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनेगा तो जिंक उसमें करेगा ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन करेगा रिडक्शन, करेगा क्योंकि ऊपर है ये नीचे है, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रोड बनाए हाइड्रोजन और कॉपर का, हाइड्रोजन एंड कॉपर का, हाइड्रोजन कॉपर का इलेक्ट्रोड बनाए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बनाते हैं तो मैं बता चुका हूं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विद द हेल्प ऑफ प्लैटिनम, ठीक है। हाइड्रोजन और कॉपर का इलेक्ट्रोड बनाए तो हाइड्रोजन ऊपर है तो इस केस में हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन करेगा और कॉपर रिडक्शन करेगा, गेटिंग अ पॉइंट, तो कॉपर रिडक्शन करेगा। अब तुम बनाओ कॉपर और इसकी, कॉपर और सिल्वर की, कॉपर एंड सिल्वर, तो कॉपर ऊपर है सिल्वर नीचे है तो उसमें कॉपर क्या करेगा ऑक्सीडेशन करेगा और सिल्वर रिडक्शन करेगा, गेटिंग अ पॉइंट। सिमिलरली तुम पोटाशियम और जिंक में देखो, पोटाशियम और जिंक की इलेक्ट्रोड बनाओ, पोटाशियम एंड जिंक की, तो जो पोटाशियम ऊपर है तो वो SSL में ऑक्सीडेशन देगा और ये रिडक्शन देगा, गेटिंग अ पॉइंट। सो दिस इज द सीरीज बाय कंपेयरिंग बीच, इसमें जो ऊपर वाले हैं वो ऑक्सीडेशन करते हैं, नीचे वाले क्या करते हैं रिडक्शन करते हैं, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऊपर ज्यादा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल नीचे ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहां पे ये जो सीरीज बनाई है इट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ इट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस दिस सीरीज इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मान लो ये बनाया था रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पे, तो ऊपर वाले ऑक्सीडेशन पोटेंशियल करते हैं, ऊपर वाले ऑक्सीडेशन करते हैं तो उनके रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कितनी आएगी, माइनस ही आएगी। ऊपर वाले ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, तो उनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ही आएगी। तो ये जो सीरीज बनी है ये बनी है इन द इंक्रीजिंग
order of reduction potential, in the increasing order of reduction potential. ठीक है, arrangement of different electrodes, arrangement of different electrodes in the increasing order of their reduction potential. In the increasing order of their reduction potential, arrangement of different electrodes in the increasing order of their reduction potential. In the increasing order of the reduction potential, अब देखो reduction potential कैसे, इसका reduction potential है -0.76 volt, ठीक है, इसका 0.04, इसका है +0.34 volt और इसका है +0.80 volt, ठीक है. अब zinc का reduction potential कितना, minus में है, माइनस में है, मतलब ये रिडक्शन नहीं करना चाहता. जिसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में आएगा वो रिडक्शन नहीं करना चाहते, वो ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात नहीं की. एक ट्विस्ट इन्होंने ये डाल दिया, मतलब कि इन्होंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात नहीं की, इन्होंने किसकी बात की, रिडक्शन पोटेंशियल की ही बात की. ये जो सीरीज बनाई है, इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम था, इसका थोड़ा ज्यादा हुआ, इसका थोड़ा ज्यादा हुआ, इसका थोड़ा ज्यादा हुआ, ठीक है. तो जिंक का ये है रिडक्शन पोटेंशियल और ये हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है. तो इससे अगर तुम्हारे पास रिडक्शन पोटेंशियल है तो तुम उससे क्या बना सकते हो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी निकाल सकते हो. इसका अगर रिडक्शन पोटेंशियल ये है तो इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या बन जाएगा, +0.76, ठीक है. तो जो नेगेटिव में है ना रिडक्शन पोटेंशियल, तुम्हें पहले बताया था जो रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में है एक्चुअली वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है. तो जहां भी ऑक्सीडेशन, जो तुम्हें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव में मिले, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हो तो उसको तुम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है. तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो ऑक्सीडेशन करेगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा वो रिडक्शन करेगा, ठीक है. तो दिस इज, ये जो है, ये है Zn2+Zn, ये इसका माइनस, ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है. अब इसका तुमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालो तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा 0.76 volt, उल्टा करके निकाल सकते हो. सो दिस सीरीज इज मेड ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल. तो इनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा थे तो इनके रिडक्शन पोटेंशियल कैसे हैं, उस फार्मूला से लिख दीजिए, ठीक है. सो दिस इज ईएमएफ सीरीज इन विच डिफरेंट मेटल इलेक्ट्रोड्स आर इंक्रीज इन द, आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल. सो द इलेक्ट्रोड्स हैविंग नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, जिनके रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में बहुत कम है वो ऑक्सीडेशन करेंगे, और जिनके प्लस में रिडक्शन पोटेंशियल है वो रिडक्शन करेंगे. ऐसे समझो, नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब है वो रिडक्शन नहीं करेंगे, तो वो ऑक्सीडेशन करेंगे, और प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब है वो रिडक्शन करेंगे, ठीक है. दिस सीरीज इज बेस्ड ऑन द रिडक्शन पोटेंशियल, नॉट ऑन द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ओके. तो ये सीरीज याद कर लो, और ये सीरीज में जनरली तुम्हें दो तीन याद करने की जरूरत है, ये जिंक, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, ठीक है, जो तुम्हें पता होना चाहिए, इतने से आते हैं. बाकी तुम्हें वैल्यू दी होगी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, रिडक्शन पोटेंशियल की, ठीक है. तो जैसे तुम्हें मैं बताता हूं क्वेश्चन, थोड़ा सा और क्लैरिटी कर दूं, एक चीज बता दूं. तो ये जो सीरीज है ना, इसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात नहीं की है, इसमें सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल की बात की है, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल. तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है मतलब वो ऑक्सीडेशन देगा, वो रिडक्शन करने के मूड में नहीं है, ठीक है. जैसे इसमें क्वेश्चन आ गया, जैसे जिंक स्टैंडर्ड लेते हैं, ठीक है. अब तुमसे पूछा कि एक जिंक की इलेक्ट्रोड और कॉपर की इलेक्ट्रोड है, तो इसमें, ठीक है, एक जिंक की इलेक्ट्रोड है, कॉपर की इलेक्ट्रोड है, तो इसमें ऑक्सीडेशन कौन करेगा, रिडक्शन कौन करेगा, इसमें ऑक्सीडेशन कौन करेगा, रिडक्शन कौन करेगा. तो इसमें सिंपल सा फॉर्मूला है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वो ऑक्सीडेशन करेगा, या तुम सिंपल भाषा में बोलो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो रिडक्शन करेगा, ठीक है. तो ये देखो कौन सा पोटेंशियल है, Zn2 positive is changing into Zn, so this is reduction. So they have given the reduction potential of, they have given the reduction potential of standard zinc electrode. Or this is also reduction. Cu2 positive is changing into Cu. This is reduction. So they have given you reduction potential. So किसका reduction potential ज्यादा है यहाँ पे? Copper का reduction potential ज्यादा है, तो reduction कौन करेगा? ये वाली electrode reduction करेगी, और ये वाली electrode क्या करेगी? Oxidation करेगी, ठीक है? दिस यू हैव टू सी वेदर दिस रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. तो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा किसका है? इसका इतना है, और इसका थोड़ा सा ज्यादा है, तो रिडक्शन ये करेगी, ठीक है. ऐसे में आप ये देखो, ई सी यू टू पॉजिटिव एंड सी यू, ये दिया है +0.34 volt, और दिया है
ओके तो अब देखो ये देख लो, अब इसमें तो देखो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया था, तो अपने को क्लियर हो गया कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो रिडक्शन करेगा, तो दूसरा ऑटोमेटिक ऑक्सीडेशन करेगा। अब यहां पे देखो, यहां पे ये दिया हुआ है इसका रिडक्शन पोटेंशियल, इसका क्या दिया हुआ है, ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, देखो सी यू टू पॉजिटिव इज कन्वर्टिंग टू सी यू, दैट इज रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल इतना है, ठीक है। इसका क्या दिया हुआ, देखो एट इज कन्वर्टिंग टू एटी पॉजिटिव, दिस इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो यहां पे इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, अलग अलग पोटेंशियल दिए हैं, ठीक है। तो हमें इसको सेम करना पड़ता है, या तो फिर इसका रिडक्शन निकाल लो या इसका ऑक्सीडेशन निकाल लो, मैंने मान लो इसका निकाल दिया रिडक्शन पोटेंशियल, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या आएगा, -0.80 वोल्ट, इसका रिडक्शन पोटेंशियल आ गया, यही होता है ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को उल्टा होता है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में है, ठीक है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल किसमें है, माइनस में है, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल किसमें है, दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में है, तो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा किसका है, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा किसका है, ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल कम किसका है, इसका है, ठीक है, कम इसका है, और रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा इसका है, इसका कम है, इसका ज्यादा है, तो रिडक्शन कौन देगा, ये देगा, सिमिलरली इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बता दो, यहां पे देखो, या इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में चेंज कर दिया, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये आ गया, ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना आएगा, नहीं इस ऐसे करके नहीं, ये थोड़ा सा एग्जांपल था, गलत है, इसका ऐसे है, एटी पॉजिटिव इनटू एटी, ये भी ऐसे है, यह प्लस 0.80 वोल्ट, यहां पर देखिए ना, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल इतना है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल इतना है, तो इसका ज्यादा है तो ये रिडक्शन देगा, इसमें ये रिडक्शन करेगा और ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, ये करेगा ऑक्सीडेशन करेगा, ये ऑक्सीडेशन करेगा, ठीक है, फिर सिंपल उल्टे रहेंगे, सो दिस इज द सीरीज ऑक्सीडेशन सीरीज, ओके।